to a win. Hi. Melon. And that's it. साउथ अफ्रीका विन, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। मैं पहले ही कह रहा था कि मिलर का अगर आउट ना हुआ तो पाकिस्तान बाहर, क्योंकि मिलर विल बी ए कोहली फॉर इंडिया। वही हुआ, मिलर ने पूरी इनिंग डेवलप की, चार आउट हो गए थे शुरू में, लेकिन उसके बावजूद मिलर ने मैच फिनिश किया। ये वो चर्चा नहीं था, ये वो हैदर अली नहीं है, ये आसिफ अली नहीं है जो मैच फिनिश किए बगैर ही आउट हो जाएंगे। मिलर है, मिलर एक बड़ा प्लेयर है, और जिस तरीके से मैंने पहले ही कहा था कि अश्विन का जो सेकंड लास्ट ओवर था उसी के अंदर जो दो छक्के लगे, उधर से ही टीम साउथ अफ्रीका को मोमेंटम मिल गया और इंडिया टीम मैच से बाहर हो गया। इसी तरीके से जो आखिरी ओवर किया अश्विन ने, उसमें भी दो छक्के पड़े और टीम बिल्कुल ख़त्म हो गई, होप जो थी हमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई। इसी तरीके से जहाँ मिस फील्डिंग हुई, कोहली ने कैच छोड़ा, रोहित शर्मा ने रन आउट नहीं किया। खैर ये सारी बातें तो उनकी हैं, इंडिया की टीम है, वो अपनी मर्जी से जो मर्जी करे। पाकिस्तान लेकिन फाइनली बाहर हो गया है। अब मेरा ख्याल है कि दो तीन चीज़ें और भी हो सकती हैं कि शायद कोई कराची में होता तो हम कोई स्टेडियम बंद करवा देते, या फिर कोई होता मैच होता साउथ अफ्रीका में तो किसी कह देते, कीनिया में होता तो पुलिस वालों को कह देते कि मैच ना करवाएं। लेकिन भाई ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पूरे मैचेस होंगे, यहाँ पे हर चीज़ वही होगी जो परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान के बाहर होने की मुझे तो बहुत खुशी है, क्योंकि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस अभी तक चल रही थी उसके अंदर वो डिजर्व ही नहीं करता था कि पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पहुँचे। सो फाइनली जो हम चाहते थे वो हो गया है। बाबर आजम ने कहा तो है कि वो बहुत ज़्यादा पुरउम्मीद हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने की है इस मैच में। 39 बॉल्स पे 49 स्कोर उन्होंने किया, तो बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है रिजवान में। और बाबर इंशाल्लाह फिर किसी दिन रायवन की किसी जमात में वो हो जाएंगे, आ जाएंगे। मेरा ख्याल है कि उनकी परफॉर्मेंस वहाँ पे जाके बेहतर हो जाएगी। चचा वैसे भी तबलीग कर रहे हैं, उनको चाहिए कि न्यूजीलैंड वापस चले जाए, वहाँ पे तबलीग करें, किसी मस्जिद के इमाम बन जाए। शादाब भी वहीं पर रह ले, क्योंकि शादाब को भी न्यूजीलैंड में बहुत एक अच्छी बूस्ट मिला था वहाँ पर, लोगों ने उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया था। इसी तरीके से मेरा ख्याल है कि और भी जो हमारे प्लेयर्स हैं वो तबलीग की तरफ अगर रहें, क्योंकि मुश्ताक अहमद भी कहते हैं कि सुकून तो सिर्फ कब्र में और कुदरत का निज़ाम है। तो कुदरत ये निजाम है, जो अच्छा खेले हैं वो परफॉर्म किए और वो आगे गए हैं, ये निजाम है कुदरत का, वो निजाम नहीं है जो आप बताना चाह रहे हैं। तो इनको रायवन लेकर जाएं, इनको थोड़ा सा तबलीग करवाएं, वहां पे किसी मस्जिद का इमाम बनवाएं, यही इनके लिए बेहतर है। क्रिकेट मेरे ख्याल इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि लाखों अरबों रुपया ये जो ले लेके अब ये एलीट क्लास में बिलोंग कर रहे हैं, ये डिजर्व नहीं करते। सो बाबर आजम की परफॉर्मेंस भी वापस आ जाएगी, फॉर्म भी वापस आ जाएगी, रिजवान की तबलीग भी हो जाएगी, चचा हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे अच्छे उनकी आखिरत भी समझ जाए, क्योंकि अब उनकी टांगे तो कब्र में। तो देखते हैं क्या होता है, पाकिस्तान खैर वापस आ जाएगी दो मैचेस खेलने के बाद, और पाकिस्तान में फिर वही होगा जो हमेशा होता है। अल्लाह हाफिज़।